यहाँ पे सबसे पहले मैं अडोबी एक्सटी सॉफ्टवेयर ओपन कर लेती हूँ। अगर आपके पास अडोबी एक्सटी नहीं है तो आप इजीली adobe.com वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ये एब्सोल्युटली फ्री है, आप इसको इजीली डाउनलोड करके एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं, यहाँ पे आपको कुछ प्रीसेट्स दिखाई देते हैं। अगर आपका डिज़ाइनिंग, आप यूआई यूएक्स जो डिज़ाइन करना चाहते हैं वो मोबाइल ऐप है या वेबसाइट के लिए बना रहे हैं यूआई डिज़ाइन, उस हिसाब से आप यहाँ पे प्रीसेट सेलेक्ट कर सकते हैं। कस्टम में जाके आप मैन्युअली विड्थ और हाइट जो भी आपको चाहिए वो आप टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल मैं 1920x1080 पिक्सल वेब डॉक्यूमेंट एक सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे वेब 1920 फाइल साइज डॉक्यूमेंट पे। इट टेक्स लिटिल टाइम, सो या सो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने जो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया है वो एक फाइल, एक आर्टबोर्ड यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे दिख रहा है वेब 1920। यहाँ पे आपको ठीक है, ये आपका डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे सबसे टॉप पे आपको मेन्यूज़ दिख रहे हैं, मेन्यू बार, और साइड में हैमबर्गर मेन्यू में आपको कुछ और मेन्यू दिखेंगे। इसमें अगर आप एडोबी के बाकी सॉफ्टवेयर के साथ फेमिलियर हैं तो आपको यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस दिखेगा अदर सॉफ्टवेयर के कंपैरिजन में। यहाँ पे मेन्यूज़ बहुत कम हैं, थोड़े दो तीन मेन्यूज़ हैं, कुछ टूल्स हैं। नीचे आपको यहाँ पे कुछ एसेट्स दिखाई दे रहे हैं, एसेट्स पैनल है जिसमें आप अपने डिज़ाइन को एज एसेट्स कन्वर्ट करके रख सकते हैं। जो आपके एसेट्स हैं या फिर जो भी आप डाउनलोड करके लाएंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, वो एसेट्स यहाँ पे दिखाई देंगे। प्लगइन्स हैं जिसमें आप बहुत सारे प्लगइन्स एडोबी के फ्री में अवेलेबल है, कुछ प्रीमियम भी हैं, तो आप उसको डाउनलोड करके ईजिली अपने काम को ईजी बना सकते हैं। जैसे कि आपको आइकॉन्स चाहिए या कुछ बटन्स चाहिए तो, या फिर कुछ इमेज का आइकॉन चाहिए या फिर आपको कुछ थंबनेल चाहिए, तो आप डाउनलोड करके उसको इजीली यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको आर्टबोर्ड टूल दिखाई दे रहा है। जैसा मैंने बताया, यहाँ पे मैंने एक ही पेज, अभी एक ही आर्टबोर्ड लिया हुआ है। आप जैसे ही आर्टबोर्ड टूल सेलेक्ट करेंगे, राइट साइड में आपको बहुत सारी सेटिंग मिलेगी। आपको कौन से साइज़ चाहिए आर्टबोर्ड के, वो आप सेलेक्ट करके जस्ट क्लिक कर सकते हैं आर्टबोर्ड टूल से, और यहाँ पर और आर्टबोर्ड क्रिएट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक कार्डबोर्ड क्रिएट किया है और मैंने जो सेटिंग ली थी उसी सेटिंग्स को सेलेक्ट किए हुए मैंने और भी क्लिक किया कार्डबोर्ड टूल से। तो यहाँ पे जितने चाहें आप कार्डबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं, आप इसको अलाइन कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं अपने वर्क स्पेस पे, ताकि आपको काम करने में ईजी हो। तो यहाँ पे मैंने डिलीट किया, फ़िलहाल मेरे पास अभी एक ही आर्टबोर्ड है। जूम के लिए आप कंट्रोल प्लस और माइनस बटन यूज़ कर सकते हैं, और पैनिंग के लिए आप जस्ट स्पेस बार प्रेस करके उसको ड्रैग करेंगे तो आप पैनिंग कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को लेफ्ट राइट अप डाउन मूव कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल टूल ले रही हूँ आपको, जिसमें कुछ टूल्स भी बता रही हूँ डिज़ाइन करके, कि आप किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, टूल्स का कैसे यूज़ कर सकते हैं, कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे आप अलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल टूल लिया है, इसको सेलेक्ट, जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको राइट साइड पे इसकी प्रॉपर्टीज़ दिखाई देंगी। तो यहाँ से आप फिल है और स्ट्रोक है, तो फिल में जाके आप जो फिल कलर है वो फिल कर सकते हैं, स्ट्रोक अगर आप चाहिए तो आप ऑन कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो आप इसको ऑफ़ कर सकते हैं। देन आप इसको ड्रैग करके साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप न्यू हैं, आपने कभी कोई ग्राफिक सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं किया है, तो आपको डिटेल में समझना होगा। बट अगर आप फेमिलियर हैं अडोबी प्रोडक्ट के साथ, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं आप, आपको ग्राफिक डिज़ाइन आती है, तो आपके लिए इन ऑप्शंस आपके लिए नए नहीं होंगे, आप ऑलरेडी इन ऑप्शंस को यूज़ किए होंगे। तो ये जो बेसिक ऑप्शंस हैं वो आपको पता होंगे। ओपेसिटी कम कर सकते हैं आप, फिल, स्ट्रोक, आप ब्लर कर सकते हैं, शेडो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप अलाइनमेंट, ऊपर टॉप पे अलाइनमेंट के ऑप्शन है, लेफ्ट साइड में टाइप टूल है, तो आप टाइप टूल लेके टाइप कर सकते हैं। टाइप करने के लिए आपको, आपके पास दो ऑप्शंस है, एक आप जब
जब ट्रैक करेंगे टाइप टूल लेके, तो ये एरिया में टाइप होगा, मतलब आपने जितना बड़ा बॉक्स बनाया आपका टेक्स्ट उस एरिया के अंदर ही टाइप होगा, उसे बाहर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जैसे आपको दिखाने के लिए एक वेब पेज का जो मेन्यू होता है, टॉप का जो मेन्यू होता है वो कैसे डिज़ाइन हो रहा है होता है उसका, जिसमें एक लेआउट एक वायर फ्रेम आपको डिज़ाइन करके बता रही हूँ एक वेबसाइट का। तो यहाँ पर मैंने लोगो आएगा, तो मैंने जैसे एक वायर फ्रेम बनाया है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है लोगो है। तो यहाँ पर जब भी लोगो आपको ऐड करना होगा इस जगह पे लोगो आप ऐड करेंगे। यहाँ पे टेक्स्ट जो मैंने टाइप किया है उसके फॉन्ट और फॉन्ट साइज़ उसका प्रॉपर्टी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, बहुत इजी है। जो आप जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं टेक्स्ट की वही यहाँ पे दी हुई है। आप कैरेक्टर स्पेसिंग कर सकते हैं, टेक्स्ट के बीच में स्पेस दे सकते हैं, आप लाइन स्पेसिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक ऑप्शंस है, आप जस्ट यूज़ करके देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अलाइन कर सकते हैं टेक्स्ट को लेफ़्ट राइट सेंटर पे। और यहाँ पे टेक्स्ट के दो, जैसे मैंने बताया, दो तरीके से आप टेक्स्ट ले सकते हैं। एक है बॉक्स के में एरिया, बॉक्स एरिया के अंदर आप टाइप कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट टेक्स्ट ले सकते हैं, जो एक एक पर्टिकुलर जो आपने टाइप किया है वही रहेगा, आप उसकी इसको स्केल कर सकते हैं डायरेक्टली एक पॉइंट पर क्लिक करके। और एरिया में आप जो भी टाइप करेंगे वो उस एरिया के अंदर ही रहेगा। तो ये डिफरेंस है एरिया टाइप टूल और पॉइंट टाइप टूल में। कभी भी एरिया को भी पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे सेलेक्ट करके आप पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो आपका एरिया जो है एरिया टाइप टूल वो पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लोगो है लिखने के बाद यहाँ पे मैं होम और कुछ और मेन्यूज ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने होम मेन्यू टाइप किया, होम के बाद यहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ अबाउट। और जो दोनों बटन हैं, जो दोनों मेन्यूज़ हैं उनके बीच आप जैसे ही ड्रैग करेंगे, ऑल्ट के साथ आप डुप्लीकेट करेंगे ड्रैग करेंगे, तो यहाँ पे आपको इसके बीच के डिस्टेंस दिखाई देगा। तो ये प्रॉपर अलाइनमेंट के लिए बहुत ही अच्छा फीचर है। स्नैपिंग ऑप्शन जो है उसके थ्रू आप दोनों मेन्यूज़ के बीच में प्रॉपर गैप ला सकते हैं, डिस्टेंस इक्वली होगा। यहाँ पे मैंने सर्विस एक और मेन्यू ऐड किया और लास्ट में मैं ऐड करूँगी कॉन्टैक्ट। और इन तीनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो एकदम प्रॉपर है, इक्वल डिस्टेंस है। अगर इक्वल नहीं है, अगर आपको ड्रैग करके, ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा इक्वल कितने पिक्सल्स का डिस्टेंस है सबके बीच। अगर आपको ये टाइम टेकन लग रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, चारों यहाँ पे मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और राइट साइड में टॉप पे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल ऑप्शन है, अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो चारों मेन्यू जो है हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे प्रॉपर डिस्टेंस के साथ। अब बात करते हैं जो लेफ़्ट और राइट अलाइनमेंट की है। जो आप लोगो हेयर के लेफ़्ट साइड पे देख रहे हैं वो गैप और कॉन्टैक्ट के साइड का गैप वो बराबर नहीं है, तो उसको प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है। जब आप आर्टबोर्ड को सेलेक्ट करेंगे आपको यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड यहाँ पे लेआउट में आपको दिखेगा ग्रिड आप ऑन कर सकते हैं। लेआउट में अगर आप रखेंगे तो इस तरीके से आपको ग्रिड्स दिखाई दे रहे हैं, अगर आप स्क्वायर लेंगे तो आपको पिक्सल्स दिखाई देंगे, छोटे छोटे स्क्वायर्स दिखाई देंगे। तो मुझे ग्रिड में लेआउट ऑप्शन ज़्यादा बेटर लगता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैं इसको कर लेती हूँ लेआउट। और जो यहाँ पे 12 ग्रिड्स दिख रहे हैं, जो कॉलम्स दिख रहे हैं आपको 12, उसको मैं सिंगल कॉलम में कन्वर्ट कर लूँगी, ताकि मुझे क्योंकि मुझे अभी सिर्फ और लेफ़्ट और राइट का डिस्टेंस इक्वल करना है। पर अगर आप जब मिड में भी कंटेंट ऐड करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, तब आप ग्रिड पे कॉलम रख के काम करेंगे तो भी आप सेंटर पे भी या जहाँ पे भी डिज़ाइन कर रहे हो भी प्रॉपर अलाइन होगा। तो यहाँ से देखिए दोनों साइड मैंने क्या किया है, लोगो हेयर और जो मेरे मेन्यूज़ हैं उन सबको मैंने लेफ़्ट और राइट से प्रॉपरली अलाइन कर दिया है। कई एडोबी एक्सडी में आपको कुछ कुछ टिप्स बीच में आपको शो होते रहेंगी टाइम टू टाइम, तो आप उस टिप्स को भी देख के आप Adobe XD पे अगर नए हैं तो उन टिप्स को भी फॉलो करके काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो
तो यहाँ पे मैं जस्ट प्रीव्यू यहाँ पे दिखाती हूँ आपको कि कैसा दिख रहा है अभी ये इतना डिज़ाइन जो हमने लेआउट तैयार किया है, वायर फ्रेम जो तैयार किया है, ये अभी ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये अभी जस्ट एक पेज है जिसमें मैंने सिर्फ अभी मेन्यू सेट किया। अगर आपको लग रहा है ये जो लेआउट जो ग्रिड हमने लिया है उसका कलर आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप उसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं, लाइट डार्क अपने अकॉर्डिंग, जो भी कलर आपको आपके डिज़ाइन के कलर के अकॉर्डिंग ठीक लगता है जिस पे आप डिज़ाइन कर सकते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए आप जिस बैकग्राउंड जो साइज़ लिखा हुआ है उस जो डॉक्यूमेंट का साइज़ उस पर क्लिक करके आप बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं ईजिली। तो यहाँ पर मैं थोड़ा ग्रे कलर लेना चाह रही हूँ अपने डिज़ाइन पे, ब्लू एंड बैकग्राउंड पे रहेगा ग्रे। तो यहाँ पे अभी मैं एक बैनर के लिए एक एरिया बना रही हूँ। यहाँ पे मैं पूरा डिज़ाइन नहीं कर रही हूँ, जस्ट मैं लेआउट बना रही हूँ आपको समझाने के लिए कि किस तरीके से आप टूल्स का यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से आप लेआउट बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बैनर के लिए एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है और अभी मुझे इस पर कलर देना है, और ये जो ग्रिड है मुझे अभी डिस्टर्ब कर रहा है मुझे कलर सेलेक्ट करने में। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले इस ग्रिड को ऑफ़ करूँगी। तो मैंने आर्टबोर्ड को सेलेक्ट किया, आप आर्टबोर्ड के बॉर्डर पे भी क्लिक करके आर्टबोर्ड को सेलेक्ट करके ग्रिड का जो चेक मार्क है उसको ऑफ़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं अभी जो बैनर के लिए मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया उसका कलर मैं चेंज करूँगी, और बैकग्राउंड का कलर मैं थोड़ा और लाइट करूँगी। ओके, और या और मेरा जो बैकग्राउंड है उस पर उसमें मैंने वाइट कलर डाला है, तो जस्ट आप विजिबल हो इसलिए शेडो डाल सकते हो, या फिर शेडो मुझे नहीं डालना है तो मैं थोड़ा सा बैनर का कलर डार्क कर रही हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे अभी मैं जस्ट प्लेस होल्डर, टेक्स्ट प्लेस होल्डर यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे टेक्स्ट का कलर मैंने लिया ब्लैक, और ये ब्लैक कलर मुझे बार बार यूज़ होगा इसलिए मैं प्लस साइन पे क्लिक करके इसको अपने स्वेचेस में ऐड कर लेती हूँ। आप ऐसे ही जो भी कलर आप यूज़ करने वाले हैं उसको स्वेचेस में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा इमेज हेयर, तो इमेज हेयर मतलब यहाँ पे इमेज आएगी, इसको मैंने सेंटर पे अलाइन किया। बीच बीच में आपको ग्रिड्स आते हैं, गाइड्स आते हैं जो हेल्प करते हैं आपको प्रॉपर अलाइन करने के लिए। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया एक टेक्स्ट। अब आप टेक्स्ट की जगह पे चाहे तो इमेज का आइकॉन डाल सकते हैं, तो आपको ज़्यादा और आपका जो लेआउट है वायर फ्रेम और ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पे आप कई सारे फाइल्स होते हैं जो आपको फ्री में मिलते हैं, एडोबी की साइट पे मिल जाएंगे, मटेरियल लाइब्रेरी में, या फिर अदर और भी कई सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे जहाँ से जाके आप UI UX किट डाउनलोड कर सकते हैं। उस किट में आपको बहुत सारे आइकॉन्स मिल जाएंगे, बहुत सारे आपको अलग अलग टाइप के जो आपको आइकॉन्स चाहिए, या फिर कुछ टेक्स्ट के लिए आपको चाहिए, कुछ आपको लोडिंग बार चाहिए, या फिर आपको मेन्यूज चाहिए, फुटर चाहिए, आपको बहुत सारे रेडीमेड मिल जाते हैं जिससे आपका काम इजी हो जाता है और आपको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ता है। तो मेरे पास बहुत सारी कुछ फाइल्स हैं जो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हैं, तो यहाँ पे मैं उसमें से एक फ़ाइल सेलेक्ट कर लेती हूँ आपको जस्ट दिखाने के लिए कि किस तरीके से आप दूसरे डॉक्यूमेंट से एसेट्स को अपने डॉक्यूमेंट में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फ़ाइल ओपन करूँगी, सो यहाँ पे तो यहाँ पे UI टेम्पलेट में से वायर फ्रेम, या हाँ यहाँ से मैं एक डॉक्यूमेंट ले लेती हूँ। तो ये डॉक्यूमेंट सेपरेट एक विंडो में ओपन हो जाता है। या ये थोड़ा टाइम ले रहा है। ओके नाउ, तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं ये जो मैंने फ़ाइल ओपन की है यहाँ पे आपको दिख रही है अलग अलग आर्ट बोर्ड है, बहुत सारे आर्ट बोर्ड है, और हर आर्ट बोर्ड में डिफरेंट डिफरेंट आपको एसेट्स एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। तो उसमें से आप कोई भी एलिमेंट जो रिक्वायर्ड है आपके डॉक्यूमेंट के लिए वो जस्ट यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप या कॉपी पेस्ट आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे मैं आर्ट बोर्ड पैनल अगर ओपन कर लूँगी, जस्ट सेकेंड,
ये देखिए यहाँ पे अलग अलग आपको डिलीट आइकॉन और आइटम्स लिस्ट आपको मेन्यूज़ दिख रहे हैं, सब मेन्यूज़ दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको लोडिंग बटन दिख रहे हैं, यहाँ पे स्टार्स और ये सब बहुत सारे सैम्पल्स आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। तो आप ऐसे फाइल्स डाउनलोड कर करके अपने फोल्डर पे रखिए, एसेट्स रेडी रखिए ताकि आपका काम ईजी हो। यहाँ पे मैं आर्टबोर्ड पैनल ओपन कर लूँगी तो यहाँ पे अलग अलग आर्टबोर्ड के जो नाम है उसके अकॉर्डिंग भी आपको सर्च करना करने में ईजी होगा। तो यहाँ पे ओके जैसा कि आप देख रहे हैं अलग अलग यहाँ पे आर्ट बोर्ड्स हैं और शायद मैंने मुझे जो चाहिए वो इस फाइल में मुझे नहीं दिख रहा है। तो डोंट नो वरी, मैं यहाँ पे जो बस जस्ट आपको दिखा रही हूँ कि कैसे आप एसेट्स को मूव कर सकते हैं। मेरे पास और भी फाइल्स हैं, उसमें से मैं ले सकती हूँ जो मुझे टेक्सचर की जगह पे कुछ अगर प्लेस करना है। यहाँ पे जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए एक लोडिंग जो आइकॉन है, लोडिंग जो बटन यहाँ पे बना हुआ है स्लाइडर, ठीक है, इसको मैं क्या करूँगी, कंट्रोल सी करके कॉपी करूँगी और इसको मैं पेस्ट करूँगी अपने फाइल पे, कंट्रोल वी जस्ट या तो कंट्रोल वी करने से जैसा आप देखना जो मैंने सेलेक्ट देखा आपने जैसा जो मैंने सेलेक्ट किया था वो यहाँ पर आ गया है। ओके सो इमेज हेयर मैंने हटा दिया और इसको सेलेक्ट करके मैं ज़ूम करूँगी और ज़ूम करके मैं इसका कलर चेंज कर सकती हूँ। उसको अनग्रुप करके आप दोनों ग्रे कलर और ब्लू कलर, किसी दोनों कलर को आप चेंज करके अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कलर दे सकते हो। तो यहाँ पे देखिए जैसे हम कोई भी लेके आते हैं अगर हम डिज़ाइन को, तो यहाँ पे आपको वो आर्टबोर्ड में या फिर एसेट्स में दिखता है, बट एसेट्स से अगर लिंक होना चाहिए, लिंक नहीं इसलिए आपको एसेट्स में नहीं दिख रहा है, तो ये अच्छी बात है। तो यहाँ पे हम अनग्रुप कर लेते हैं, अनग्रुप करके इसको हम जस्ट सेलेक्ट करके इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं। जो शेप था जो मैंने बैनर के लिए रेक्टेंगल बनाया था वो बार बार डिस्टर्ब कर रहा था, इसलिए मैंने उसको सेलेक्ट करके लॉक कर दिया है। तो अभी जब मैं सेलेक्ट करूँगी जो स्लाइडर है वही सेलेक्ट होगा। तो इस पर जो भी कलर थे फिल या स्ट्रोक आप चेक कर लीजिए क्या कलर है और उसको आप अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। बट अभी मैं इसको चेक नहीं कर रही हूँ, बैकग्राउंड को भी मैंने लॉक ही रखा है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए और अभी आप जब प्रीव्यू देखेंगे ये आपको ऐसे दिखाई दे रहा है। जस्ट मैंने शो करने के लिए आपको प्ले दिखाने के लिए यहाँ पे जस्ट ये स्लाइडर लोडिंग स्लाइडर को पेस्ट किया है। अब आप देख रहे हैं जब हम प्रीव्यू देख रहे हैं तो यहाँ पे जो हमारा वेब पेज है वो फुल स्क्रीन में दिख रहा है, ठीक है। और इसके नीचे जैसे जैसे कंटेंट जाते जाएंगे वो स्क्रॉल होगा, तो यहाँ राइट साइड से आपको स्क्रॉलिंग ऑन दिख रही है, आप उसको रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन ऑन रखिए, स्क्रॉलिंग ऑन रखिए और आप ड्रैग करेंगे तो बीच में एक डिवाइडर दिख रहा है, तो वहाँ तक आपका स्क्रीन दिखेगा और उसके नीचे अगर आप जो भी डिज़ाइन करते जाएंगे वो आपको स्क्रॉल पर दिखेगा। ये देखिए ये आपका फुल स्क्रीन और ये नीचे जो मैंने डिज़ाइन किया वो आपको स्क्रॉल में दिख रहा है। तो जस्ट ये सिंपल आप तरीके से आप बहुत इजी है, आपको बस थोड़े बहुत टूल्स सीखने हैं, बट मेन होता है डिज़ाइनिंग। तो आप डिज़ाइन करके आप सीख के इसको कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने फ़ाइल को सेव किया, सेव के लिए भी दो ऑप्शन आते हैं, क्लाउड और योर कंप्यूटर। तो अभी हम कंप्यूटर पे इसको सेव कीजिए, इतनी प्रैक्टिस कीजिए। आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कॉमेंट करके बताइए और क्या सीखना चाहते हैं और कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो।